अहम खबर, सोनल पहले दरामद करने की आड़ में 73 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। 38 अरब रुपए की ओवर इन्वॉइसिंग भी की गई। तहकीकात के बाद दो फर्जी कंपनीज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं, एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। एहतशाम, कहिएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास मजीद? जी, पाकिस्तान कस्टम्स की डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में मुल्क में सोलर पैनल्स की दरामदाद की आड़ में 73 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और 38 अरब रुपए की ओवर इन्वाइसिंग का इंकशाफ किया है। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट साउथ ने बाद अज कस्टम्स क्लियरेंस तहकीकात के बाद सोलर पैनल के दो फर्जी कंपनियों के खिलाफ अलग अलग मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। जराए ने एक्सप्रेस को बताया है कि फर्जी कंपनियों मैसर्स ब्राइट स्टार बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मून लाइट ट्रेडर्स ने चीन से 35 अरब रुपए मालियत के सोलर पैनल दरामद करके इनके एवज ओवर इन्वाइसिंग करते हुए 73 अरब रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल किया और बाद में मकामी मार्केट में 73 अरब रुपए की खतीर मालियत के सोलर पैनल 46 अरब रुपए में फरोख्त जाहिर की। जराया ने यह भी बताया कि डायरेक्टरेट की तहकीकात के दौरान इस अमर की भी निशानदेही हुई है कि मजकूरा दोनों कंपनियां गैर फ़ाल हैं और मजकूरा दोनों फर्जी कंपनियों की जानिब से दरामद होने वाले सोलर पैनल का ऑडिट के दौरान संगीन खिलाफ वर्जियां और बेजाबतियां सामने आई हैं, जिसमें दरामदा सोलर कंसाइनमेंट की जायद वैल्यू जाहिर करके 73 अरब रुपए की गैर कानूनी मुंतकली की गई है। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती।